नमस्कार, आज हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल या भूवैज्ञानिक समय सारणी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति से लेकर आज तक जो भी विभिन्न प्रकार के पादप समूह समय समय पर विकसित हुए हैं, उनका अपना एक इतिहास है। इस पृथ्वी पर किस समय किस प्रकार की वनस्पति का वर्चस्व रहा है, कौन सी वनस्पति कब विकसित हुई है, इसका ज्ञान हमें इस भूवैज्ञानिक समय सारणी के द्वारा संभव है। इस समय सारणी से हम पादप समूह के उत्पत्ति, विकास व वितरण का जो अध्ययन है, हमें इस समय सारणी के द्वारा पता चलेगा कि कौन से समय में कौन से काल में किस प्रकार की वनस्पति डोमिनेंट थी, किस प्रकार से वनस्पति का अलग अलग से वितरण हुआ है और कौन सी वनस्पति कब समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। तो इससे हम देखते हैं कि जो पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग 5 अरब वर्ष की मानी गई है और उसके बाद में पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद में काफ़ी लंबे समय तक पृथ्वी की जो कूलिंग प्रोसेस है वो चलती गई और उसके बाद में धीरे धीरे पानी बना और पानी में नए जीवों की है वो उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी के इस कालखंड का या समय का जो सही ज्ञान है वो हमें रेडियो एक्टिव क्लॉक से पता चलता है। रेडियो एक्टिव क्लॉक में क्या होते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम रेडियो एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड रेडिएशन का एमिशन करते हैं, किरणों का उत्सर्जन करते हैं और किरणों का उत्सर्जन या ये अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करके स्टेबल फॉर्म में बदलते रहते हैं। कोई भी कंपाउंड है जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो रेडिएशन का उत्सर्जन करके एक स्थायी कंपाउंड में बदल जाता है। इस रेडियो एक्टिव जो मुख्य रूप से जो कंपाउंड हम काम में लेते हैं, दो तरह के कंपाउंड काम में ले सकते हैं, एक है यूरेनियम 238 और एक है कार्बन 14। इनके द्वारा पृथ्वी की चट्टानों व उनमें मिलने वाले जीवाश्मों की लगभग आयु का पता लगाया जाता है। यूरेनियम 238 है, इसकी हाफ लाइफ होती है वो काफ़ी लंबी होती है, तो इस कारण इसका जो अध्ययन करते हैं यूरेनियम 238 से पृथ्वी की जो चट्टाने हैं चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जबकि हिमालय पर्वत है वो नई पर्वत श्रृंखला में आता है, तो इसका जो पता लगाते हैं हम वहाँ पर मिलने वाले कंपाउंड यूरेनियम 238 से की कंसंट्रेशन। और ये जो यूरेनियम 238 है ये बदल जाता है लेड के अंदर, Pb206 है शायद, लेड में बदल जाता है। तो इन दोनों के जो कंसंट्रेशन है, इन दोनों के अनुपात से उसकी चट्टान की आयु का पता लगाया जाता है। इसी तरह से औषधीय चट्टानों में जो जीवाश्म मिलते हैं इन जीवाश्मों की आयु का पता लगाते हैं कार्बन 14 से। इसकी जो हाफ लाइफ होती है, इन कंपाउंड की हाफ लाइफ से आयु का पता लगाया जाता है। इसकी लगभग आयु है 5700 वर्ष है लगभग, और इसके द्वारा इसकी कंसंट्रेशन में जीवाश्म में जो इसकी मात्रा या इसका स्टेबल फॉर्म जो नाइट्रोजन 14 में ये बदल जाता है, इनके अनुपात से जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। तो पृथ्वी का जो भूवैज्ञानिक इतिहास है इसको समय के आधार पर इसको 5 एरा में बांटा गया है, या एरा को हम महाकल्प कहते हैं। 5 एरा या महाकल्प में बांटा गया है।
इन महाकल्प को फिर पीरियड या काल में विभाजित करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और पीरियड को फिर युग या इपोक में बांटा जाता है। इस तरह से ये एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल प्रिपेयर किया जाता बनाया हुआ है, जिसको 5 एरा या महाकल्प में बांटा गया है। पृथ्वी के संपूर्ण इतिहास को वो 5 एरा में बांटा गया है। इनमें इनको फिर वापस उन्हें पीरियड या काल में बांटा गया, जिन्हें युग में बांट दिया गया है। हमें एरा और पीरियड की स्टडी करनी है, तो हम देखते हैं। तो देखिए, जो पृथ्वी को 5 एरा में बांटा गया है, तो इसमें तो ये 5 एरा है। पहला है सीनोजोइक, सेकंड है मीसोजोइक, थर्ड है पैलियोजोइक, और फोर्थ है प्रोटेरोजोइक, एंड फिफ्थ है आर्कियोजोइक। तो इस तरह से पृथ्वी को कुल 5 एरा में विभाजित किया गया है समय के अनुसार। ये सबसे रिसेंट एरा है, जो अभी का कालखंड चल रहा है, और जबकि ये ओल्डेस्ट है। पृथ्वी का जो सबसे पुराना समय है वो आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, और अभी का वर्तमान समय जो चल रहा है वो सीनोजोइक एरा है। तो हम पृथ्वी के पुराने ओल्डेस्ट टाइम से शुरू करते हैं। प्रोटेरोजोइक है, इसके अंदर एक पीरियड है प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। तो इन दोनों को प्रोटेरोजोइक और आर्कियोजोइक एरा है, इसको कई बार हम प्री कैम्ब्रियन एरा भी कहते हैं। कई बार इनको कंबाइन रूप से भी कह दिया जाता है कि ये प्री कैम्ब्रियन एरा है। और इन दोनों का जो कंबाइन कालखंड होता है वो है 5 अरब वर्ष से लेके वर्ष पूर्व से 60 करोड़ वर्ष तक का जो समय है वो प्री कैम्ब्रियन एरा में काउंट होता है। समय की जो गणना है हम करोड़ में या मिलियन ईयर्स में भी कर सकते हैं। 1 करोड़ है, इसमें 10 मिलियन होता है, तो इसको हम किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्री कैम्ब्रियन एरा में देखिए, एक कोशिकीय जीव जो प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स, एक कोशिकीय शैवाल है, इनकी भी उत्पत्ति इस कालखंड में हो चुकी थी। जीवाणुओं की उत्पत्ति इस कालखंड में हो चुकी थी, ठीक है। तो इस प्रोटेरोजोइक एरा तक एक कोशिकीय एल्गी है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनकी उत्पत्ति इस समय में हो चुकी थी। इसके बाद में इम्पोर्टेंट एरा है पैलियोजोइक एरा। इसका जो समय है वो है 60 करोड़ वर्ष से 23 करोड़ वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो पैलियोजोइक एरा में बांटा गया है, और इसमें कुल 6 पीरियड में इस समय को बांट दिया गया है। परमियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिलूरियन, ऑर्डोविसियन और कैम्ब्रियन। देखिए, ये कैम्ब्रियन एरा है, इससे जो पहले का जो समय है उसको हम प्री कैम्ब्रियन में काउंट करते हैं, और ये जो पहले जो एक एरा है उसके अंदर 6 पीरियड है। ये कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन में इनको बांटा गया है।
इनमें जो हम टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं, तो जो ये सिलूरियन और डिवोनियन पीरियड है, इसमें सबसे पहले स्थलीय पादप है वो विकसित हुए थे, या हम कह सकते हैं जो टेरिडोफाइटा का जो विकास है, वो ओरिजिन है, वो सिलूरियन और इस डिवोनियन कालखंड में हुई थी। जो भी लोअर टेरिडोफाइट्स है, जैसे राइनिया है, कुक्सोनिया है, इनके जो जीवाश्म मिलते हैं, फॉसिल मिलते हैं, वो लगभग डिवोनियन काल के हमें मिलते हैं। जबकि जो कार्बोनिफेरस पीरियड है, इस पीरियड में जो टेरिडोफाइट्स थे वो पृथ्वी पर एक डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में थे। तो इसको हम एज ऑफ टेरिडोफाइट्स या एज ऑफ फर्न भी कहते हैं, क्योंकि इस कालखंड में, इस समय में, कार्बोनिफेरस पीरियड में जो टेरिडोफाइट थे वो पृथ्वी पर एक डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में थे। साथ ही इस समय में जिम्नोस्पर्म है उनकी भी ओरिजिन हुई थी, जिम्नोस्पर्म है वो विकसित हुए थे, इनकी उत्पत्ति है वो इस कार्बोनिफेरस और परमियन काल में हुई थी। तो इस तरह से पेलियोजोइक जो एरा है, इसको कुल 6 पीरियड में बांटा गया है। उसके बाद में हम बात करते हैं मीसोजोइक एरा की। इसका जो ये कालखंड है, इसका है 23 करोड़ से 1 वर्ष पूर्व से 7 करोड़ वर्ष पूर्व तक का जो समय है वो मीसोजोइक एरा में आता है, और इसे 3 पीरियड में बांटा गया है। क्रिटेशियस, जुरेसिक और ट्राइएसिक। तो इसको 3 पीरियड में बांटा गया है। क्रेटेशियस है, जुरेसिक है, ट्राइएसिक है, या इधर से हम देख सकते हैं ट्राइएसिक, जुरेसिक और क्रेटेशियस पीरियड में इसे विभाजित किया गया है। तो इसमें जो हम देख रहे हैं कि कार्बोनिफेरस काल में जो टेरिडोफाइट्स एक डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में थे, वो धीरे धीरे परमियन काल में इनकी संख्या में कमी आती गई, और ट्राइएसिक समय तक आते आते जो ये टेरिडोफाइट्स थे ये लगभग लुप्त स्पीसीज के रूप में हो गए, खत्म हो गए। टेरिडोफाइट्स है वो ट्राइएसिक काल तक आते आते लगभग पृथ्वी से लुप्त हो गए, खत्म हो गए थे। साथ ही इस कालखंड में जो जिम्नोस्पर्म यहाँ कार्बोनिफेरस काल में विकसित हुए थे, वो यहाँ तक आते आते एक डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में बन गए, और इस काल को हम एज ऑफ साइकेड्स भी कहते हैं, जो जिम्नोस्पर्म है वो मुख्य स्पीसीज के रूप में, प्लांट स्पीसीज के रूप में पृथ्वी पर एक डोमिनेंट स्पीसीज थी। और जो जुरेसिक काल है, जुरेसिक काल के अंदर फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट है वो विकसित हुए थे। प्लांट्स की उत्पत्ति हुई थी। और इस क्रिटेशियस काल में जिम्नोस्पर्म है वो धीरे धीरे कम होने लग गए, और फ्लावरिंग प्लांट है वो, इनकी संख्या है वो बढ़ने लग गई थी। उसके बाद में है सीनोजोइक एरा। इसका जो समय है वो 6 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर अब तक का जो समय है वो इस सीनोजोइक एरा में है, और इसको 2 पीरियड में विभाजित किया गया है। एक पीरियड है टर्शरी और दूसरा है क्वार्टनरी। इसको 2 पीरियड में बांटा गया है। जो जिम्नोस्पर्म धीरे धीरे यहाँ क्रिटेशियस में कम होने लगे थे, ट्राइएसिक तक आते आते ये अपनी संख्या में सिमट गए, और लगभग 700 स्पीसीज है वो अभी जिम्नोस्पर्म की मिलती है। टर्शरी पीरियड के अंदर जो एंजियोस्पर्म है, इसमें वुडी एंजियोस्पर्म है वो डोमिनेंट स्पीसीज थी, जबकि जो क्वार्टनरी है इसके अंदर हर्बेशियस है, जो साग के पौधे हैं, जो मोनोकोट्स है वो धीरे धीरे इसमें अब डोमिनेंट स्पीसीज के रूप में पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये जो पृथ्वी का जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जिससे हमें वनस्पति का पता चलता है कि कौन सी वनस्पति कब विकसित हुई और कैसे वो धीरे धीरे नष्ट हो गई।
पृथ्वी की जो ये जो नई अलग अलग वनस्पति है जो नष्ट हो जाती है वो इसके पृथ्वी के वातावरण में परिवर्तन से या पृथ्वी पर जो मास एक्सटिंक्शन हुआ है उस वजह से ये वनस्पतियां हैं जो टेरिडोफाइट्स यहाँ पर विकसित थे काफ़ी, जो यहाँ पे ख़त्म हो गए क्योंकि यहाँ पे एक मास एक्सटिंक्शन हुआ था जिसकी वजह से ये वनस्पति यहाँ से ख़त्म हो गई थी। तो इसमें 5 एरा है, सीनोजोइक, मीसोजोइक, पैलियोजोइक, प्रोटेरोजोइक और आर्कियोजोइक। इन दोनों को हम कंबाइन रूप से प्री कैम्ब्रियन एरा भी कहते हैं।